भोजपुर में बकरीद मनाने की पहली जैसी चाहत थी, लेकिन इस बार ब्रेक लग गया। देखिए भोजपुर के बिहियां में किस तरह से बकरीद मन रहा है, संवाददाता बबलू सिंह बता रहे हैं। आज खुशियों का त्यौहार बकरीद है, यानी ईद उल अदा। लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने सब कुछ तबाह कर रख दिया है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखती थी, कोरोना महामारी के चपेट में आने से सभी तबाह और बर्बाद हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से इस बार मस्जिदों में बकरीद पर्व नहीं मनाया गया। बिहियां में किस तरह से बकरीद लोग मना रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, जानिए हमारे संवाददाता बबलू सिंह बिहियां से बता रहे हैं। बबलू सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ क्लियर। अभी हम बिहियां बड़ी मस्जिद में उपस्थित थे, जहां पे आप देख रहे हैं कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यहां पे हर्षोल्लास के साथ है मुस्लिम भाई अपना ईद हो बकरीद हो नमाज अदा करते हैं और अपने इस पर्व का भरपूर आनंद लेते हैं। अभी हमारे साथ बड़ी मस्जिद के मौलाना जी जुड़ेंगे और बताएंगे इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुस्लिम भाई कैसे नमाज अदा कर रहे हैं और कैसे अपना बकरीद का आनंद ले रहे हैं। मौलाना जी बताइए इस प्रकार से अपना मुस्लिम भाई बकरीद का मना रहे हैं। पूरे मुस्लिम भाई दोस्त की बात है कि जिस हाल में कोरोना वायरस फैल रहा है, आप विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि इस बला को दूर कर दे अल्लाह ताला। और बहुत अफसोस की बात है कि आगे साल ईद बकरीद जो हम लोग खुशी से मनाएं, इन साल न ईद हुई न बकरीद हुई। मस्जिद जो है वीरान पड़ा हुआ है, बस दो स्टाफ हैं हम लोग, दो स्टाफ के कारण हम लोग निभा रहे हैं। जैसे अल्लाह रखे या भगवान रखे उसी तरह चलना है, ठीक ना। और अभी फ़ौरन आगे बैठे हुए हैं तो ये लोग आए, आने के बाद अपना सारा बयान किए। और बहुत अफसोस की बात है कि ईद नमाज नहीं हुई, बकरी नमाज नहीं हुई। पहले जैसे कि बकरा लोग करते थे 100-150, आज 30 को लोग पीस किए। बस महामारी से अपना पेट चलाएंगे कि माँ कुर्बानी करेंगे। अच्छा ठीक। मस्जिद के मौलाना जी बिहियां में आपको बताते चले कि दो मस्जिद हैं, एक बड़ी मस्जिद एक छोटी मस्जिद। ये बड़ी मस्जिद है जहां पे हर साल ईद और बकरीद के दिन लोगों में एक मिसाल पैदा करता है अपने आप में कि यहां जिस प्रकार से नमाज अदा होती है और हिंदू भाई का एक भाईचारा के मिलन का एक स्वरूप देती है। हमें मौलाना जी से ये भी जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में जो ये मुस्लिम अदा अपने घर पे ही रहकर करें, आगे उनसे क्या अपील होगी, इस अगर लॉकडाउन आगे बढ़ती है तो आगे की नमाज अदा कैसे वो लोग करेंगे। आगे जैसे कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो उसी मुताबिक सरकार जो चाहेगी उसी मुताबिक हम लोग काम करेंगे। नमाज अदा घर पे आप लोग नमाज अपने अपने घर में अदा करेंगे। ऐसे तो मान लिया जाए कि पहले नमाज होती थी एक सब दो सब, सारे लोग अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, बस दो स्टाफ हम लोग, दो ही स्टाफ जो हम लोग अपना मस्जिद में अदा कर रहे हैं। इन्होंने वही स्टाफ है और जो भी नमाज अदा होता है मस्जिद का हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी मुस्लिम भाई हैं बकरीद का आज दिन है, सब लोग अपने बकरीद में हो कुर्बानी हो घर के अपने कैसे भी इस लॉकडाउन में पेट पालन कर रहे हैं। मैं बबलू सिंह फोर्थ पिलर दिए। आज आप लोग का सबसे महान पर्व है बकरीद, किस प्रकार से मना रहे हैं, सारा मस्जिद बंद पड़ा हुआ है उसके बावजूद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। नमस्कार, हम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करवे करेंगे, दो गज की दूरी है जरूरी, इसको देखते हुए हम लोगों ने नमाज अदा किया अपने अपने घरों पर। आज कुर्बानी भी होती है, किस तरह से आप लोग भाईचारा का सद्भाव दिए हैं आप लोग आज। भाईचारा बाद में है बाबू, पहले तो समाज है, इंसानियत है। हमने इंसानियत के तहत नतीजा है कि अपने ही घर में खाना पीना जो भी हुआ उसको मनाया गया। ठीक, परिचय बता दीजिए अपना। शौकत अली सिद्दीकी, राजा बाजार बिहिया, भोजपुर बिहार। आज बकरीद पूजा है आप लोगों का सबसे महान पर्व है, ईद और बकरीद दोनों लॉकडाउन में ही बीता, किस प्रकार से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं आप लोग। इस तरह से कहा जाए तो बहुत महत्व, इसका अहमियत बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन आज हम लोग मनाया गया अपने अपने घर ही मनाया गया, नमाज अदा अपने घर ही में किया गया, कुर्बानी होता है, लोगों को बुलाया जाता है, क्या हुआ इसमें, कहाँ कुछ किसी को बुलाया जा रही।
कैसे बोलेगा क्या मांग करेंगे या अपील करेंगे अपने मुसलमान भाइयों से? अपील यही करना है कि हम लोग आपस में खुशी भी मना रहे हैं, सभी को बधाई दिया गया, हिंदू चाहे मुस्लिम जो भी सबको बधाई। लॉकडाउन को लेके क्या कहेंगे जो कोरोना महामारी चल रही है अभी? इसमें तो वही जो अपने अपने घर में रह के खाना परिचय बताइए। मोहम्मद आरिफ हुसैन फरीदी साहेब टोला बिहू।